सुवर्णा फेमस आर्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम जज स्कूल ऑफ आर्ट में कला मेला देखने के लिए आए हैं और आज मैं आपको कला मेला का जो भी एग्जीबिशन लगा है वो दिखाऊंगी। जज स्कूल ऑफ आर्ट के कॉलेज का मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे कला मेला शुरू हुआ है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम अंदर आते थे और आप मेरे लेफ्ट साइड में जो सीढ़ी देख रहे हैं यहाँ से ऊपर हमारा क्लास था। हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 11 बज जाते थे। मॉर्निंग में ही हिस्ट्री का क्लास रहता था और वो मेरा हमेशा मिस हो जाता था क्योंकि इतने सुबह हम मुंबई नहीं पहुंच पाते थे। तो आते ही फिर नोट्स लेना और नोट्स लिखते बैठती थी और उसके बाद जो भी क्लास वर्क था वो करते थे। स्टूडेंट्स के जो वन ईयर की असाइनमेंट्स रहती है जो कॉलेज में आके बनाते हैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड आर्ट वर्क यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाए जाते हैं और उसमें से प्राइज निकाला जाता है। मेरा भी हर साल ऐसे ही वर्क डिस्प्ले होता था और मुझे हर साल अवार्ड मिलता था। हम जब मास्टर डिग्री में थे तो मुझे 2 साल लगातार कैमलिन अवार्ड मिला है। उषा एस मेहता स्कॉलरशिप भी मुझे MFA फर्स्ट ईयर में मिली थी। 2 साल जो मुझे यहाँ पे JJ स्कूल ऑफ आर्ट में मिले थे उसमें मैंने 2 अवार्ड और 1 स्कॉलरशिप अचीव की थी। इस बात की खुशी मुझे हमेशा रहती है। ये म्यूरल है, टेराकोटा म्यूरल। टेराकोटा मिट्टी से ये म्यूरल बनाया हुआ है। सिरेमिक टाइल्स से बना हुआ म्यूरल है। फर्स्ट ईयर फाउंडेशन के क्लास का वर्क देख रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है जैसे कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग, नेचर ड्राइंग,
स्टार्टिंग में जैसे कि आपको फिगर ड्राइंग है तो पहले आपको नोज़, लेग, हैंड, आईज़ ऐसे ड्राइंग सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद पूरा फिगर का ड्राइंग। अभी हम प्रिंट मेकिंग के वर्क देख रहे हैं। जिंक प्लेट के ऊपर प्रिंट कैसे लेते हैं वो बताती हूँ। जिंक प्लेट होता है, उसके ऊपर ड्राइंग बनाया जाता है, फिर एसिड में प्लेट डाल के इचिंग किया जाता है डार्क मिडल लाइट टोन के लिए, और प्लेट के ऊपर इंक लगा के फिर मशीन के नीचे पेपर के ऊपर प्रिंट लिया जाता है। अभी आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं। कुछ पोर्ट्रेट पेंसिल में हैं और कुछ कलर किए हुए हैं। टेक्सटाइल के स्टूडेंट का वर्क यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। अभी हम सिरेमिक के पॉट देख रहे हैं।
ये मैं कुछ पेंटिंग्स देख रही हूँ। यहाँ पे कुछ स्कल्पचर लगे हैं, बहुत ही सुंदर स्कल्पचर है। अभी हम क्रिएटिव पेंटिंग देख रहे हैं जो कैनवस के ऊपर बनाए हुए। कुछ पेंटिंग्स हैंडमेड शीट के ऊपर बनाए हुए हैं। ये सारे पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत हैं। ये मेरा मास्टर डिग्री का क्लास था। यहाँ पे अभी एग्जीबिशन लगा हुआ है। होप आप सबको ये एग्जीबिशन पसंद आ रहा है। अभी हम हमारे जो सर थे हमें पढ़ाने के लिए उनसे मिलने आए हैं। एग्जीबिशन देख के हम दोनों बहुत थक गए हैं। मैं और मेरे दोस्त अभी यहाँ पे लेमन टी पी रहे हैं। ये हमारे सर हैं माननीय विश्वनाथ साबले, जो अभी जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के कला संचालक है।
अभी आप जो देख रहे हैं वो क्रिएटिव पेंटिंग है। आप सबको ये एग्जीबिशन पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आर्ट से रिलेटेड लाती रहूँगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल।